कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी खिलाफ दोहरी वोट का मामला उठाने वाले वकील विनीत महाजन से फिर तो कातलाना हमला होने की खबर है। वह अपने सुरक्षा कर्मियों नाल अपने होटल वाल आ रहे सन तो रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवार चार नौजवानों ने उन्हां उत्ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां पर वह बच गए। फिलहाल पुलिस ने इस संबंधी केस दर्ज कर लिया है। उधर विनीत महाजन और एडवोकेट संदीप गोडसी ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री तो मांग की है कि उन्होंने हुए सारे हमलों की जांच के लिए SIT का गठन किया जाए और दोषियों को बेनकाब किया जाए। कल 7 बजे का टाइम ही मैं अपने सुरक्षा कर्मियों सिक्योरिटी गार्ड के नाल अपने होटल में आ रहा है तो जदों ही मैं कश्मीर एवन्यू तो एंटर किया फोरेस्ट वाली गली के पिछों दो मोटरसाइकलों तो आए ने लड़के कुछ काफ़ी डिस्टेंस जिन्होंने फायरिंग शुरू करती है। 4 से 5 राउंड फायर किए हैं जिन्हों से 2 बुलेट्स मेरी गड्डी में बजी हैं तो अभी बहुत मुश्किल ना बचा जान बचाई गई ने। पुलिस को मैं उस वे इंटीमेट किया है, पुलिस ने यार तो FIR एक रजिस्टर करती है अननोन बंदियां दे उत्ते। मेरी तो यह मंग है जी, लगातार हमले जोड़े हो रहे हैं, ये सच सामने आना चाहिए क्योंकि देखो पिछले हमले से सच सामने आया भावें अद्धा पचद्धा ही आया पर आया क्योंकि देखो जो 10 मई में विनीत पर हमला होया उस तो पहले भी 17 मई में भी साढ़े तक गोली चली सी और जी गोली चली सी 17 मार्च में और 17 मार्च में जी गोली चली सी उस समय भी असी दस्या सी कि जिहड़े लोग बाहर ललकारे मार के कह रहे थे कि तुसी मंत्री के खिलाफ जिहड़े केस किए हैं थानू मजा दस दें। सो 17 मार्च का अटैक उस तो बाद असी नहीं मन्ने, नॉन अवेलेबल वारंट्स केसां च कढवाए, प्रोसीडिंग चलदियां रहियां और उस तो बाद 9 मई में मेरे खिलाफ़ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया जो कि अपना ही PA खड़ा करके झूठियां सट्टां लगा के वो मानयोग हाई कोर्ट की इंटरफेरेंस के नाल SIT बनी। खबरों की दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो, आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।